रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एलपी सीबीटी 2 परीक्षा का आरआरबी कोलकाता का एनालिसिस, कट ऑफ और कुछ संभावनाएं। तो ये अभी तक हमने आपको बता दिया पटना का, और आपके साथ इलाहाबाद का बता दिया आपको, साथ में हमने भोपाल को बता दिया। तो ये चौथा वीडियो है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने पहले भी इससे पहले एनालिसिस किया था, जब सीबीटी 2 का रिवाइज रिजल्ट आया था, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कुछ लोगों का क्वायरी आ रहा है कि चंडीगढ़ का बता दो, कुछ मुंबई का बता दो, तो पॉसिबिलिटी डाटा इकट्ठा करना मुश्किल है। तो मेरे पास जो कटअप की सारी वीडियो है उसका प्लेलिस्ट के रूप में आपको दे देता हूँ एक साथ, जहाँ से आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो हो सकता है मैक्सिमम लोगों के कुछ क्वायरियाँ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप बात करेंगे कोलकाता का, तो कोलकाता में सबसे पहले देखेंगे पोस्ट की संख्या कितनी है, 5527 है, एलपी का 1409 है, टेक्नीशियन का 3925 है, और पीसीएम का 193 वैकेंसी है। और ये फैत है पूरी तरह से, इसमें कोई आपका ऑफिशियल डाटा है, इसमें कुछ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ से शुरू होता है, ओल्ड रिजल्ट में ओनली 30,629 कैंडिडेट पास हुए थे, और टोटल वैकेंसी के पर पोस्ट पे 5.54 था, बहुत नॉर्मल सा, जिसमें जो पास कर गया उनका सिलेक्शन निश्चित था, लगभग ऐसा था, थोड़ी सी नंबर आगे या पीछे जाती। अब न्यू सिलेक्शन में कुछ कैंडिडेट बढ़ गए हैं, तो 67,577 कैंडिडेट आ गए हैं, और टोटल फाइनल कहें तो 30,629 कैंडिडेट इसमें नए आए हैं, जिनको 1 मंथ तैयारी करने का टाइम मिला था। अब कटअप की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता करना है कि पिछला कटअप आया था और नया कटअप में क्या डिफरेंस है। तो यूआर के लिए नया कटअप 40, एससी और ओबीसी के लिए कटअप 30, और आपका एसटी के कटअप 25, बस इससे ऊपर वाले सारा ये 67,000 में सम्मिलित है। अब यहाँ सम्मिलित है तो 193 वाला पोस्ट पे बहु संख्या में लोग कैंडिडेट पास हो गए, क्योंकि एलपी में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में यूआर का देखें, ओबीसी के देखें, एससी का देखें, करीब 15 से कम ही गुना पास हुए थे लोग। कुछ में देखिए 41.3 है, 43.3 है, यूआर में थोड़े से ज़्यादा थे, बाकी में हो सकता है कि 15 गुना कैंडिडेट मिले भी नहीं हो इनको ईएलपी में पास होने के लिए। जब दोबारा रिजल्ट आया तो बहुत ज़्यादा यहाँ चेंज नहीं होने की संभावना है, क्योंकि 40 से 41 1.99 के बीच में जो नंबर आए होंगे, 40 से 43 के बीच जो नंबर आए होंगे, वही कैंडिडेट आगे बढ़े होंगे, क्योंकि 40 से नीचे का पास होने की संभावना बिल्कुल। अब यहाँ टेक्नीशियन की बात करेंगे, तो टेक्नीशियन में आप देखेंगे कि यहाँ पे कटअप पहले वाला भी 40 से 53 गया था, 53 एक आध पोस्ट में गया था, मैक्सिमम 40 के आसपास ही था, 30 गया था आपका ओबीसी में, एसटी के लिए 25 और एसी के लिए 30, लगभग इसी में था, मैक्सिमम कुछ पोस्टों में 37 और गए थे। तो कह सकते हैं कि आरआरबी आप कोलकाता देखेंगे तो एनएससी की संख्या बहुत ज़्यादा थी टेक्नीशियन में, और टेक्नीशियन का पोस्ट यहाँ सब आरआरबी से अच्छी खासी संख्या में है, अगर एवरेज माने एलपी से। तो 3925 टेक्नीशियन का पोस्ट है, उसमें से बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें एनएससी है, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट भी था। तो कहें कि 15 गुना से कम कैंडिडेट पास हुए थे, क्योंकि ओवरऑल रेशियो 5.44 था। तो इसको देखेंगे, उसके बाद पीसीएम की बात करेंगे, तो पीसीएम में कटअप यहाँ 70.91 था, ओबीसी के आपका यूआर में और इसका एसएनटी में 73.35 था, 65, 36, 66, 44, 49, 15 और 50, 15 एसटी के लिए ये कैंडिडेट था, और एसी के लिए आप देखें तो 63.03 और 63.49 बहुत ज़्यादा था। फिर भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन कैंडिडेट की संख्या टोटल 30,629 थी। अगर 193 पीसीएम के पोस्ट को इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि कटअप ज़्यादा था तो 15 गुना कैंडिडेट एक्यूरेट था, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो पीसीएम में करीब करीब 2895 यानी 3000 कैंडिडेट पुराने रिजल्ट में पास हुए थे। अगर नया रिजल्ट आया उसमें सारा पीसीएम का ही मैक्सिमम बढ़ गया, क्योंकि आप देख सकते हैं डायरेक्टली दिख रहा है रिजल्ट, बिल्कुल आपके पहले वाले रिजल्ट में कट ऑफ जो मिनिमम क्वालिफाई के मार्क्स ही था, केवल पीसीएम था जो ऊपर बहुत था। तो कहें कि सारे संख्या यहाँ बढ़ गई, तो थोड़ी सी और इसको समझने की कोशिश करें, तो रिजल्ट देखें, पहले 5.4 गुना आया था ओवरऑल के लिए, उसमें पीसीएम का कैंडिडेट अगर 3000 बढ़ गए और 30,000 में से 3000 घटा दिए तो 27,734
कैंडिडेट एलपी और टेक्नीशियन के लिए लगभग पास हुए थे आपके पहले वाले रिजल्ट में, और दूसरे रिजल्ट में अगर थोड़ी बहुत संख्या चेंज भी हो गई तो 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट अगर बढ़ भी जाते हैं तो 30 से 32 हज़ार कैंडिडेट ओनली फॉर एलपी और टेक्नीशियन के लिए हुए हैं, बाकी जो बड़े कैंडिडेट हैं वो पीसीएम के लिए हो सकते हैं अनुमानतः। अब 3000 पोस्ट को अगर 5334 से भाग देंगे तो ये करीब करीब 5334 एलपी और टेक्नीशियन दोनों का पोस्ट का कॉम्बिनेशन है, ध्यान दीजिएगा एलपी और टेक्नीशियन का कॉम्बाइन करके है, जिसका रेशियो 5.62 बन रहा है। अगर इसे पूरा भी करें तो 6 गुना कैंडिडेट पूरी वैकेंसी का है। अब 6 गुना में आपको पता है जो एलपी वाले पोस्ट है 1409, इसमें 8 गुना कैंडिडेट को लेना है साइको में, तो 8 गुना अगर साइको में लेना है तो करीब करीब यहाँ से कैंडिडेटों की संख्या आ जाएगी 11,000 साढ़े 11,000 के आसपास, और कहें कि टोटल कैंडिडेट 30,000 ही है तो उसमें कुछ कैंडिडेट अगर देखें तो कुछ कैंडिडेट तो पेपर देने नहीं गए हैं, अगर 100 विद्यार्थी एवरेज लेते हैं तो 70 पास से ज़्यादा होते नहीं है, अगर 10% छोड़ भी दिए जाए तो कहें तो 60-65 के आसपास यहाँ पास होने की कंडीशन बनती है। पार्ट बी में भी आपका कुछ प्रॉब्लम आई है, पार्ट बी का भी आप देखेंगे तो पार्ट बी में भी कुछ लोगों का प्रॉब्लम आई है, कुछ लोगों को एलपी नहीं पसंद है केवल टेक्नीशियन चाहिए, ये भी आपका फैक्ट है 20, और इसको घटा दे तो टोटल कैंडिडेट कह सकते हैं कि 100 में से 50 कैंडिडेट यही है जो एलपी के लिए जाना चाहेंगे, या तो फेल होने के कारण से या पसंद नहीं होने कारण से या आरआरबी सेलेक्ट नहीं किया है। तो क्या कहूँ, एलपी साइको के लिए मेरिट बनेगी नहीं बनेगी, आप क्वालिफाई कर जाइए आपके लिए साइको का कॉल आएगा। तो हम इसी को हम थोड़ा सा आपको सिंपल सी भाषा में बता देते हैं कि अगर आपका एलपी सिलेक्शन है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, 2-4 मार्क्स हो सकता है 2 से 5 मार्क्स पॉजिटिव में कि नंबर बढ़े, आपको साइको के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, साइको देने की कॉल आपको आ जाएगी आरआरबी कोलकाता में। तो कोलकाता की यही कंडीशन है, अगर आपने साइको दे दिया है, साइको पास कर गए तो उसके बाद दूसरा जो सेकंड रिजल्ट आएगा जो आपको क्वालिफाई नहीं फाइनल होगा, और फाइनल को सिलेक्शन में जो आएगा उसमें 5 से 10 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, यानी 40 यूआर का है तो 45 आना चाहिए उससे, और 10-50 के बीच में, यानी कह सकते हैं 40 से 50 के बीच में आपका नंबर है तो उम्मीद कर सकते हैं कि रेलवे में जॉब की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वही टेक्नीशियन की भी हालत यहाँ रहेगी कि कोई टेक्नीशियन की पोस्ट अच्छी खासी है, यहाँ भी क्वालिफाई से थोड़ा सा नंबर अगर अच्छा है तो आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। जैसे इलाहाबाद में हमने बात किया था, इलाहाबाद में आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट एलपी के मुकाबले कम है तो वहाँ पे थोड़ी सी कटअप ज़्यादा जाएगी, और यहाँ पे आपका टेक्नीशियन की कटअप क्वालिफाई से लेके 50 तक, यानी क्वालिफाई पे भी हो सकता है, 45 पे भी हो सकता है, 50 पे भी हो सकता है, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 30 से 40, एससी के लिए 30 से 40 और एसटी के लिए 25 से 35 नंबर बन रहा है, तो यहाँ आरआरबी कोलकाता में आपके लिए पॉसिबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं पीसीएम का, तो पीसीएम में आपका यूआर है तो 75 से 85 हो सकता है, 5% प्लस माइनस आप ले के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट कोई काउंटेबल नहीं है, ओबीसी में 70 से 80, एसी में 65 से 75 और एसटी में 60 से 70, प्लस माइनस 5%। तो ये मेरे तरफ से आरआरबी कोलकाता का रहा, क्योंकि आप वैकेंसी के अनुसार देखें तो अभी भी सभी आरआरबीओ में ये करीब वैकेंसी अगर 67,000 को भी अगर 5 से भाग देंगे तो करीब 15-14 के आसपास रेशियो बन रहा है, जो नॉर्मल रेशियो है, जो आरआरबी ने बोला था 15 गुना कैंडिडेट उस। तो फाइनल रूप से देखेंगे आरआरबी कोलकाता का, तो हमारे पर ऐसे संभावनाएं हैं कि आप क्वालिफाई से ऊपर बनते हैं तो आपको एलपी में साइको में लगभग तय है कि एलपी का साइको आपको नंबर आ जाएगा। टेक्नीशियन में भी अगर 5 से 10 नंबर आप रखते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार क्वालिफाई के लिए, चाहे आप पीडब्ल्यूडी हो, एक सर्विसमैन है या नॉर्मल कैंडिडेट हो, सभी के लिए एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ओपन है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैंडिडेट अभी भी यहाँ 15 गुना से लगभग समथिंग है। और दूसरी चीज़ है पीसीएम के लिए, तो पीसीएम की वैकेंसी यहाँ कम थी, कैंडिडेट अप्लाई ज़्यादा हो गया,
इस रेशियो में 193 के रेशियो में कैंडिडेट करीब करीब यहाँ पे 25,000 से 30,000 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप रेशियो समझ सकते हैं कितना रेशियो जाएगा, क्या जाएगा, एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि सभी के लिए आरआरबी कोलकाता में एक ऑप्शन खुलेगा कैंडिडेट ईएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए, और पीसीएम के लिए एक थोड़ी सी है, और लेकिन स्कोर पीसीएम वाले अच्छा कैंडिडेट किए हैं तो हो सकता है उनके लिए भी पॉसिबिलिटी हो। थैंक यू, धन्यवाद।